अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो दोस्तों, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे प्रश्नों को देखते रहिए। आज हम आपको सिखाएंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में, जो कि आपकी प्रश्नावली 7.3 की है और आपको समाकलन करना है स्वर समीकरणों द्वारा। ठीक है, इससे जो है कि इससे पहले के सभी प्रश्नों को जो है कि प्लेलिस्ट में सेव किया गया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। अब यहाँ से सबसे पहले हम आपको उदाहरण बताए हैं, यदि उदाहरण समझ लिए हैं तो ये बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इसको करेंगे हल, ठीक है, वो भी स्वर समीकरणों द्वारा। इसमें देखिए क्या क्या दिया नहीं है। इसमें पहले आप समाकलन लगाएंगे, क्योंकि समाकलन दिया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ से समाकलन, यहाँ पर देखिए टेन का घात 3 2x है। ठीक है, टेन का घात 3 2x है, तो आप इसको लिख सकते हैं टेन, यहाँ पर 3 बार है तो इसको 2 बार आप लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि इसका फिर गुणा करेंगे तो टेन का घात 3x हो जाएगा। ठीक है, इंटू सेक आप लिख सकते हैं इसको 2x इंटू क्या dx। ठीक है इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से टेन स्क्वायर 2x है, तो देखिए टेन स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है टेन स्क्वायर एक्स माइनस क्या 1। ये आपकी स्वर समीका है। यदि हम यहाँ से 2x की बात करें, टेन स्क्वायर 2x का, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर क्या 2x माइनस 1। सिर्फ उसी सूत्र को आप क्या करेंगे, रख देंगे। तो रख दीजिए उसी के अनुसार, समाकलन टेन टेन स्क्वायर है ना, तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर 2x और माइनस क्या रख देंगे आप 1 रख सकते हैं। चलिए और यहाँ से आपका इंटू टेन 2x इंटू क्या सेक 2x डॉट dx। ठीक है, चलिए यहाँ से अब हम लोग सीखेंगे यहाँ से हल करने के लिए। देखिए कैसे हल होगा। इजकल टू यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर यदि एक्स को हम लोग मानते हैं टी, देखिए सेक स्क्वायर एक्स को यदि हम लोग टी मानते हैं, तो यहाँ से आप मानेंगे कि माना सेक स्क्वायर को नहीं बल्कि सेक एक्स को मानिए, सिर्फ सेक 2x, क्योंकि सेक 2x का आसानी से समाकलन हो जाए अवकलन हो जाता है, क्योंकि अवकलन उसका होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स या सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजिकल टू कितना टी, आपका समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ से करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप, तो यहाँ से पहले लिख लीजिए इसको डी बाई डी एक्स, क्योंकि आपको समझ में आ जाए सेक 2x इजकल टू क्या डी बाई डी एक्स टी का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सेक यहाँ से अवकलन का नियम यह होता है, सेक देखिए 2x का तो अवकलन होता नहीं है, सेक x का होता है, इस पूरे वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे x, तो सेक x का अवकलन आपका होता है क्या, देखिए सेक x का अवकलन होता है सेक x, तो x की वैल्यू कितना माने यार 2x डॉट, और फिर आपका होता है टेन एक्स, यानी कि टेन एक्स का वैल्यू आपका फिर क्या है 2x, यानी कि सेक एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका सेक 2x का अवकलन हो जाएगा सेक 2x इंटू टेन 2x, क्योंकि x का वैल्यू 2x माना गया है। अब अवकलन का यह नियम होता है कि आप जिसको x मानेंगे फिर उसका अवकलन करेंगे, तो x किसको माने थे डी बाई डी एक्स, फिर अवकलन करेंगे, x 2x को माने थे ना, तो फिर 2x का अवकलन कर दीजिए, यह नहीं कि सेक एक्स का कीजिएगा, सिर्फ जिसको आप माने हैं उसको। अब यहाँ से हो जाएगा आपका डी टी अपन क्या डी एक्स। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। चलिए यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए यक्स का गुणांक 2 है, यहाँ पर देख लीजिए यक्स का गुणांक 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, क्योंकि अंकों का अवकलन यदि किसी का गुणांक यदि अंक हो तो अंक का अवकलन किया नहीं जाता है, वह बाहर चला जाता है सबसे बाहर, यहाँ पर 2 है अंदर डी एक्स के, यहाँ पर पहले आ जाएगा 2 sec x, 2 sec 2x है ना 2x इंटू टेन 2x डॉट। आप लोग पढ़े होंगे कि x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ से 1 यदि लिखते हैं और 1 से 2 में गुणा करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 हम क्या कर रहे हैं हटा दे रहे हैं, इजकल टू आपका हो जाएगा dt अपान कितना dx। ठीक है इतना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से चेंजिंग कर दिया जाए उसी तरह से जैसे पीछे आप किए हैं, dx से इसमें गुणा करेंगे तो ये टोटल वैल्यू आपके dx के स्थान पर चली जाएगी और dx का वैल्यू जो है कि यहाँ पर आ जाएगा। चलिए dx बराबर हो जाएगा, ये टोटल इधर जितना मान है आपका dx के स्थान पर चला जाएगा, लिख सकते हैं 1/2 sec 2x (tan 2x) और डॉट क्या dt। ठीक है, अब इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो dx से पहले इसमें गुणा कर लीजिएगा और dx का गुणांक ये टोटल आएगा, वहाँ से गुणांक हटाएंगे तो फिर इतना ही आपका आएगा। यहाँ से एक स्टेप आपका कट गया है, ये आपका हो गया समीकरण नंबर क्या 2। चलिए आते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम लोग रखेंगे मान, तो चलिए आते हैं समीकरण 1 समाकलन क्या था आपका, समाकलन आपका था, चलिए इसी में आप वैल्यू रख दीजिए, इसी में वैल्यू हम लोग रख रहे हैं। चलिए रखेंगे कैसे, sec²2x है तो देखिए sec²2x को क्या माने थे t, तो यहाँ से sec²2x की जगह पर t रखेंगे और घात 2 है तो आप कितना लगा देंगे घात, यानी कि t² हो जाएगा, अब -1 है तो क्या लगा देंगे -1। ठीक है इतना, और tan आपका यही है तो tan आपका हो जाएगा 2x(sec²2x)। ठीक है, डॉट आ जाओ भाई dx का वैल्यू रखो, dx का वैल्यू समीकरण 1 से क्या है 1/2 sec²2x (tan 2x) क्या है tan 2x। ठीक है, देखिए ये पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी कि ये आपका हो गया यहाँ से dt, जो dx का वैल्यू है यहाँ पे देखिए dx का वैल्यू रखा गया यहाँ पे तो इतना हो गया और डॉट लगा देंगे क्या dt, tan 2x से tan 2x sec 2x से sec 2x, बच गया आपका क्या 1/2 बचा, तो ये इसको बाहर ले लीजिए 1/2 समाकलन आपका ये हो जाएगा tan²-1 और डॉट क्या dt। देखिए इसमें समाकलन करेंगे तो इसमें dt में हुआ है यानी कि t में लेंगे आप, तो यहाँ से 1/2 समाकलन t का करेंगे यहाँ से, या पहले कोष्टक लगा लीजिए, ठीक है सिर्फ समाकलन को लेकर जाइए, समाकलन t²(dx - 1)/dt। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, तो 1/2 t² का समाकलन, x का पावर n पे समाकलन कर दो, यहाँ पे x का पावर n का समाकलन आप पढ़े होंगे x+1 क्या होता है n+1, जितना आपका घात आएगा बटा में घात हो जाता है, तो इसमें घात एक बढ़ा देंगे बस, समाकलन का नियम यह होता है यदि x का पावर पे हो या t के पावर पे हो कि एक बस बढ़ जाता है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि यह समाकलन हो गया, तो समाकलन हो गया तो आपका हो गया टी का पावर कितना हो रहा है 3, एक बढ़ेगा ना तो 2 1 3 हो जाएगा, अब बटा में घात यानी कि 3 माइनस 1, यानी कि यदि यक्स में होता तो 1 का समाकलन यक्स होता, लेकिन ये टी में है तो 1 का समाकलन कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब प्लस क्या हो जाएगा सी 1/2, ठीक है एक स्टेप बढ़ेगा, देखिए इसमें भी इसका हर एक मान सकते हैं आप, ठीक है देखिए अंश में इसमें t का घात 3 है, इसमें 1 है, ठीक है तो मान रख दीजिए, मानने करके कामन ले लीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी कामन, इसमें 2 इसमें 3t है, इसमें 1 है तो 1t कामन ले लो, इसमें से 2 3 में से 1t निकलेगा तो 2 बचेगा अभी बटा में 3 माइनस, इसमें से 1 निकल गया तो आपका सिर्फ 1 बचा और क्या टी, आप प्लस क्या सी 1/2 टी का वैल्यू रख दीजिए, टी का वैल्यू समीकरण 1 से टी को क्या माने थे 2 sec 2x को टी माना गया था ना, यहाँ से आप रख देंगे sec²(2x/3) -1 tan x को क्या माना गया था sec²(tan), यानी कि टी है ना तो sec²(x) को टी माना गया था, तो टी का वैल्यू रख दीजिए, टी का वैल्यू क्या है देखिए sec²(x) है टी का वैल्यू, यहाँ से हो जाएगा sec²(x) प्लस क्या सी, ये आपका हो गया क्या आंसर। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और इसी तरह से हमारे प्रश्नों को देखते रहिए। चलिए अब हम आपको सिखाएंगे प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 कैसे होगा, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।